आज की रेसिपी जो हम बना रहे हैं कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस, चावल को रिप्लेस करेंगे कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस के ऊपर, ठीक है। मैं सबसे पहले एक वोक निकाल रहा हूँ क्योंकि फ्राइड राइस है और वोक ना हो नहीं समझ आता। इसमें मैं डाल रहा हूँ 200 ग्राम चिकन, क्योंकि आपको फैट के साथ अपने प्रोटीन इंटेक का भी ख्याल रखना है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कार्बोहाइड्रेट वाले भाई हैं ना, उनको थोड़ा सा साइड पे कीजिए, सिर्फ अपना फैट इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और अपना प्रोटीन लेवल मेंटेन कीजिए। और बॉडी को फ्यूल एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ फैट चाहिए होता है, दैट्स इट। कॉलीफ्लावर राइस बन गए हैं। मैं अब इसमें दोबारा मैं इसमें कोकोनट ऑयल को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ कोकोनट ऑयल मैंने इसमें कम से कम 2 टेबलस्पून डाला है, क्योंकि हमें फैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो मैंने थोड़ा भर के डाला है। ये थोड़ी देर में बिल्कुल, आप इधर देखें वोक पे, बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने कम से कम 1 से 1.5 चम्मच इसमें गार्लिक चॉप किया हुआ है। अब मैं इसमें गार्लिक ऐड कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये हल्का सा सौते हो गया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ जो कि 200 ग्राम है। ये सर्विंग पोर्शन जो है वो अराउंड 3 से 4 लोग आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें फैट कंटेंट भी अच्छा खासा है, और एक बैलेंस मील है आपके लिए। मैंने इस कोकोनट ऑयल में गार्लिक और चिकन डाल के सिर्फ हल्का सा सौते करना है। ये सौते हो गया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कॉलीफ्लावर राइस, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत क्विक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप कीटो में हैं तो सभी तभी खाएं। अच्छा, इसके बाद आपको कम से कम 6 to 7 मिनट्स आपको इसको और सौते करना है। इस दौरान आप इसमें कुछ सीजनिंग डालेंगे और कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। मैं इसमें मशरूम्स ऐड कर रहा हूँ कम से कम 5 से 6, ठीक है। ठीक है, मेरी ये वेजिटेबल्स आ गई। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन कैप्सिकम डाल रहा हूँ, येलो बेल पेपर डाल रहा हूँ, रेड नहीं डाला। रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ी मीठी है, वो तो मना करूँगा। थोड़ा सा बिल्कुल 2 चम्मच डाल रहा हूँ, ऑप्शनल है, वैसे ज़रूरी नहीं है अगर आप कीटो में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो। स्प्रिंग अनियन मैं ऊपर से टॉप करूँगा, इसको फ्लेवर करने के लिए, सीजन करने के लिए। मैं इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डाल रहा हूँ और 1.5 से 2 चम्मच सोया सॉस, चिली पाउडर, टॉम यम पेस्ट आप डाल सकते हैं दोनों में से, लेकिन मैं अभी टॉम यम पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक प्यूरे पेस्ट होता है जिसमें कुछ थाई हर्ब्स और चिलीज ऐड होती हैं। ये बड़ा मज़े का लगता है इस रेसिपी के साथ, ठीक है। ये भी मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर और सौते करूँगा। ठीक है, अच्छा, अंडे को आप चाहें तो सीज़न कर लें, लेकिन ऑलरेडी इसमें इतनी सारी सीजनिंग्स है तो मेरे ख़्याल से कोई सीजनिंग की ज़रूरत है नहीं। अंडा मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। अब मैं इसको पैन में सिर्फ स्टर फ्राई करूँगा और फिर ऐड कर दूँगा हमारी कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस के अंदर। चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैं ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब मैं इसमें सिर्फ एग ऐड कर रहा हूँ। मैंने कर दिया है फ्लेम बंद। कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस हमारे रेडी हो गए हैं।